अलग हटकर कार्य करने वाले नीमच कलेक्टर दिनेश जैन ने युवाओं का जीवन बचाने के लिए एक नई पहल की है और यह पहल है मेडिकल स्टोर्स पर मुफ्त बीपी की जांच की। अगर आप मेडिकल स्टोर्स पर दवा लेने जाएं तो अपना बीपी की जांच करा सकते हैं, इसका कोई पैसा नहीं लगेगा। मौके पर आपको आपके स्वास्थ्य संबंधी जानकारी मिल जाएगी और साथ ही आपका बीपी मेंटेन करने का एक कार्ड भी मिलेगा। कलेक्टर की इस अनूठी पहल का शुभारम्भ नीमच आए मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने किया। कलेक्टर दिनेश जैन ने नीमच जिले के 300 से ज़्यादा मेडिकल स्टोर्स पर इस तरह की सुविधा उपलब्ध कराई है कि वहां बीपी की जांच निःशुल्क होगी। केमिकल्स एसोसिएशन के सहयोग से कलेक्टर ने 300 से ज़्यादा मेडिकल स्टोर्स पर डिजिटल बीपी चेक करने की व्यवस्था की है और इस व्यवस्था के तहत मेडिकल संचालक द्वारा एक कार्ड दिया जाएगा जिससे युवाओं का बीपी अपडेट रहेगा। मेडिकल स्टोर पर 30 से 50 वर्ष तक की आयु के युवा यदि दवा लेने जाते हैं तो वे अपने बीपी की निःशुल्क जांच करा सकते हैं। कलेक्टर दिनेश जैन की इस अनूठी योजना का शुभारंभ नीमच आए राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने किया। इसके बाद कलेक्टर दिनेश जैन स्वयं एक मेडिकल स्टोर पहुंचे और अपना बीपी चेक कराकर कार्ड बनवाया। कलेक्टर दिनेश जैन कहते हैं कि युवाओं में बढ़ते हार्ट अटैक के केसों को देखते हुए हमने यह योजना लागू की है। इससे मेडिकल स्टोर्स पर युवाओं के स्वास्थ्य की जानकारी का पता चल सकेगा तथा ऐसे हादसों को रोका जा सकेगा जो अचानक हार्ट अटैक आने से युवाओं की जिंदगी छीन लेते हैं। उल्लेखनीय है कि नीमच कलेक्टर दिनेश जैन हमेशा अनूठा प्रयोग करते हैं और अपनी अनूठी योजनाओं के लिए वे अलग छवि बना रहे हैं। नीमच जिले का नाम वे ऐसी दो योजनाओं को लागू कर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करा चुके हैं जो कि इतिहास बन चुकी है। नीमच कलेक्टर दिनेश जैन ने नीमच जिले में सबसे ज़्यादा रक्तदान करने का रिकॉर्ड बनवाया। वहीं सैनिकों की कल्याण योजना के लिए 1 करोड़ से ज़्यादा राशि जमा कर एक अनूठा रिकॉर्ड बनाया और उनका यह तीसरी योजना है जिसमें युवाओं का जीवन बचाने के लिए वे 300 से ज़्यादा मेडिकल स्टोर्स पर मुफ्त बीपी की जांच सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। नीमच टुडे के लिए राकेश सोन की रिपोर्ट। ये जैसे कि हम सभी लोगों को ये जानकारी है और अखबारों के माध्यम से सभी को ये पता चलता है कि आजकल एकदम अचानक से किसी को हार्ट अटैक हो जा रहा है और ख़ासकर युवा लोग जो हैं 25-30 साल से की उम्र वालों को भी हार्ट अटैक आ जा रहा है और उनकी मृत्यु हो जा रही है और उनको पहले से पता नहीं होता है कि उनको किसी भी तरह की बीमारी है। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए और लोगों की सेहत का ध्यान रखने के लिए ताकि लोग सतर्क हो जाएं, हम लोगों ने ये प्रयोग किया है। यहाँ नीमच ज़िले में सभी हमारे 300 से ज़्यादा मेडिकल स्टोर्स हैं, उन मेडिकल स्टोर्स पे केमिस्ट एसोसिएशन के सहयोग से ये प्रोग्राम हम लोग चला रहे हैं जिसपे कि जो दवा लेने के लिए या फिर अन्यथा कोई व्यक्ति मेडिकल स्टोर पर आएगा तो उसका बीपी जो है डिजिटल बीपी का जो इंस्ट्रूमेंट है उससे बीपी चेक करके और उनको एक कार्ड दिया जाएगा और अगर उनका बीपी बढ़ा हुआ रहता है तो पेशेंट्स को मतलब उनको नागरिकों को मेरी ये सलाह है कि वो अपने फिर चिकित्सक को दिखाकर और फिर जो भी चिकित्सक सही एडवाइस करे या दवाइयाँ वगैरह दे तो वो उसको लेना प्रारंभ करें ताकि उनको अचानक इस तरह की घटनाएं नहीं हो और लोगों की जान बच सके। आज हम लोगों का ये सौभाग्य रहा कि माननीय राज्यपाल महोदय जो हैं यहाँ पे नीमच ज़िले के प्रवास पर आए थे और उन्होंने इस प्रोग्राम का निःशुल्क बीपी चेक के प्रोग्राम का उद्घाटन किया है और इसी तारतम्य में आज हम लोगों ने भी यहाँ आकर मेडिकल स्टोर पर इसको प्रारंभ करवाया है।